हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे कि विंडोज 10 की पिक्चर्स व्यू प्रॉब्लम, जो कि मेरे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। शायद आप भी इस सिचुएशन को फेस किए होंगे, देखे होंगे कि जब भी हम विंडोज 10 में किसी भी इमेज को व्यू करते हैं, काफ़ी लेट ओपन होता है। इसी वजह से मैं यह वीडियो बनाया हूँ। प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद आप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ कि क्या करना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम अपने सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। ये आपको रॉर फाइल में देखने को मिलेगा। हम इसको राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, ओके करेंगे। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद इस फोल्डर को ओपन करेंगे। उसके बाद इसको डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, यस करेंगे। आपको ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, यस। इसके बाद ओके करेंगे। बस हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम अपने पिक्चर्स फोल्डर को ओपन करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे, यहाँ चूज अनदर ऐप। उसके बाद हम यहाँ से विंडोज फोटो व्यूअर को क्लिक करेंगे, जो बिल्कुल विंडोज 7 के पिक्चर व्यूअर की तरह दिखता है। उसको क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑलवेज यूज द ऐप करेंगे एंड यहाँ से ओके करेंगे। फर्स्ट टाइम है, ओके। हाँ, पिक्चर ओपन हो चुका है। आप रिजल्ट देख सकते हैं। हम किसी भी पिक्चर्स को ओपन करेंगे। आप किसी भी पिक्चर्स को ओपन करेंगे, ये काफी फास्ट है। ओके, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।